दुर्ग कलेक्ट्रेट के सभागार में नगरी प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में नगर निगम के आयुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, भवन अनुज्ञा, नीलामी, दरों में परिवर्तन, अधोसंरचना संबंधित निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में संचालक डॉक्टर तंबोली अय्याज फकीर भाई नगरी प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में नगर निगम के आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक ली गई। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, राजस्व वसूली, भवन अनुज्ञा, नीलामी, दरों में परिवर्तन, अधोसंरचना संबंधित निर्माण कार्य को लेकर सघन चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर तंबोली ने रेवेन्यू का प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यवहारिक समाधान को अपनी कार्यशैली में लाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने समस्या के निदान के लिए समस्या का कारण जानने और उसके विकल्प तलाशने की बातें कही। नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की बातें भी यहां पर कही गई, ताकि नागरिक घर बैठे ही सुविधाओं का लाभ ले सकें। उन्होंने जर्जर हो चुके दुकानों के लीज को रिन्यूअल करना करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को प्रॉपर्टी की रेगुलर मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए निर्देशित किया। वही डॉक्टर तंबोली ने नगरीय निकाय द्वारा प्लॉटिंग किए जाने वाले प्लाटों को सुनियोजित लेआउट के आधार पर विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने अलग अलग साइज के प्लाट सभी वर्गों के लिए निर्धारित करने की बातें कही, ताकि सभी आय वर्ग के लोग अपनी सुविधा व आय अनुरूप प्लॉट का चयन कर सकें। इसके साथ ही विभिन्न विषयों पर यहां पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास, दुर्ग निगम प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी, संयुक्त संचालक एस के सुंदरानी, मुख्य अभियंता यू के धलेन्द्र, आशीष देवांगर, नगर निगम आयुक्त रिसाली लोकेश चंद्राकर, सीएमओ व अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।